आज 29 अक्टूबर, हमारा पिछले 24 घंटा में उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ही सूखा व ड्राई वेदर था। टेम्परेचर जो है मिनिमम टेम्परेचर अभी थोड़ा कम हुआ है, तो इसमें लोएस्ट टेम्परेचर जो है 13.4 सोनपुर में है और अंगुल में भी टेम्परेचर 15 से नीचे है। अंगुल में 13.6, तो 15 से नीचे ये दो जगह में है। तो अभी टेम्परेचर जो है मिनिमम टेम्परेचर नॉर्थ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स में बिलो नॉर्मल, कुछ टू टू थ्री डिग्री बिलो नॉर्मल कुछ कुछ एरिया में है। अभी हमारा अगला 5 दिन के लिए जो फोरकास्ट है, इसमें अगला तीन दिन तक ड्राई वेदर ही रहेगा। फोर्थ डे में मीन्स हमारा 1 तारीख में कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट्स में मीन्स मेनली नॉर्थ कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट्स में एक दो जगह में हल्का से मध्यम बारिश हो सकता है। फिर 2 तारीख में कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट्स में एक दो और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट्स में एक दो जगह में बारिश थंडरस्टॉर्म का साथ हो सकता है, क्योंकि स्टारलीज इस समय थोड़ा स्ट्रेंथनिंग होने का चांसेस है हमारा नॉर्थ बे ऑफ बंगाल एरिया में। तो इसके बाजू से रेनफॉल एक्टिविटी एक में थोड़ा सा नॉर्थ कोस्टल विषय का डिस्ट्रिक्ट में और 2-3 फिर उस समय होने के कोस्टल विषय में आइसोलेटेड वे में हल्का से मध्यम बारिश हो सकता है। और मिनिमम टेम्परेचर जो है अभी मिनिमम टेम्परेचर नॉर्थ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स में अगला 2-3 दिन में 2-3 डिग्रीज कुछ कुछ जगह में बिलो नॉर्मल रहेगा और बाकी जगह में नियर नॉर्मल रहेगा, बट नॉर्मल से थोड़ा सा नीचे रहेगा, ज़्यादा चेंजेस टेम्परेचर का नहीं होगा। भुवनेश्वर एंड कटक दोनों सिटी एरिया में ड्राई वेदर ही रहेगा अगला 3-4 दिन तक। इसमें मिनिमम टेम्परेचर भुवनेश्वर कटक सिटी का में 19 के आसपास रहेगा अगला 2-3 दिन तक।